नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। पंजाब के जालंधर के लतीफपुरा में घरों को तोड़ दिए जाने के बाद लोगों से सहानुभूति जताने के लिए सत्ताधारी दल आम आदमी पार्टी को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। रात को कांग्रेस पार्टी के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वर्डिंग भी लतीफपुरा पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार ने विभाजन के बाद आकर यहां बसे लोगों के घरों को गिराकर उन पर कहर ढाया है। सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती। कोर्ट का ऑर्डर यह नहीं है कि अभी आया है, यह तो कई साल पहले आया था, लेकिन पिछली सरकारों ने भी लतीफपुरा के लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया। मौजूदा अनुभवहीन सरकार ने 70 सालों से यहां रह रहे लोगों को दोबारा उजाड़ दिया। उन्होंने कहा कि सरकार इन्हें यहीं पर बसाने के लिए विधानसभा में बिल लेकर आए, वह पूरा साथ देंगे। लतीफपुरा में मकान गिरा दिए जाने के बाद पक्का मोर्चा लगाकर बैठे लोगों के बीच बैठकर अमरिंदर सिंह राजा वर्डिंग ने कहा कि लतीफपुरा में ही दोबारा पक्के तौर पर घर बनाने के लिए हर तरीके की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, इसमें वह लोगों के साथ है। उन्होंने कहा कि टेक्निकल तरीके से कानूनी लड़ाई भी लड़ी जानी चाहिए और इसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाए। यदि आप सभी चाहते हैं तो वह अपने स्तर पर आपके साथ बैठकर इसका गठन कर देंगे, इसमें वह पूरी मदद करेंगे। लतीफपुरा में पहुंचे पंजाब कांग्रेस प्रधान को लोगों ने अपनी सारी समस्याएं बताईं। लोगों ने कहा कि कुछ ऐसे घर भी तोड़ दिए गए हैं जिनकी बकायदा रजिस्ट्री हुई है और माल रिकॉर्ड में इंतकाल दर्ज है। उन्होंने कहा कि वह तब तक यहां से नहीं हटेंगे जब तक अपनी लड़ाई जीत नहीं जाते। राजा वर्डिंग ने कहा कि वह उनकी लड़ाई में तन मन धन हर प्रकार से उनके साथ है। यदि वह चाहेंगे तो रातें भी वह यहीं पर उनके साथ गुजारेंगे। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।